फ्रेंड्स, प्रीवियस कक्षा में हमने समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक था, शिफ्टिंग फ्रॉम सेपरेशन टू इंटीग्रेशन टू इंक्लूजन, इसके विषय में चर्चा किया जा चुका है। आज की इस कक्षा में हम समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक है, इंक्लूजन एज एजुकेशन फॉर ऑल, इसके विषय में चर्चा करने जा रही हूँ। जहाँ हम समावेशी शिक्षा के अंतर्गत इंक्लूजन के विषय में डिटेल में चर्चा प्रीवियस कक्षा में किया जा चुका है, तो हम थोड़ा उसके विषय में जान लेते हैं। इंक्लूजन की जहाँ हम बात करते हैं समावेशी शिक्षा के अंतर्गत, तो इंक्लूजन के अंतर्गत हम सबसे पहले देखे थे कि सबसे पहले बच्चों को सेपरेशन, जहाँ अलग अलग शिक्षा की बात की गई थी, उसके बाद एकीकृत शिक्षा, और उसके बाद हम समावेशन की प्रक्रिया के बात करते हैं। तो विशेष शिक्षा की अवधारणा पृथक सामान्य है। एकीकृत दृष्टिकोण में यह सामान्य शिक्षा का एक अभिन्न हिस्सा है। समावेशी शिक्षा प्रणाली में विशेष शिक्षा सामान्य शिक्षा का एक शिक्षा प्रणाली में हिस्सा है। ये समावेशन की प्रक्रिया के अंतर्गत लिया गया था। आज हम समावेशन की प्रक्रिया को देखने जा रहे हैं। समावेशन की प्रक्रिया के अंतर्गत बताया गया है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सी नीतियाँ एवं संधियों का योगदान रहा है। इनमें मुख्यतः फर्स्ट जो हमारा है, जहाँ हम एजुकेशन फॉर ऑल की बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत, तो इसके लिए बहुत सारे नेशनल तथा इंटरनेशनल पॉलिसीज आए थे। तो सबसे पहले एजुकेशन फॉर ऑल के लिए प्लेटफॉर्म फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, इसके अंतर्गत जो हमारा फर्स्ट है 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स फर्स्ट था। फिर 1982 में वर्ल्ड प्रोग्राम ऑफ एक्शन थर्ड जो था, 1989 में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चिल्ड्रेन, 1990 में डिक्लेरेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल, 1993 में स्टैंडर्ड रूल ऑफ द इक्वलाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सन विथ अ डिसेबिलिटी, 1994 में सालामांका स्टेटमेंट एंड फ्रेमवर्क फॉर एक्शन ऑन स्पेशल नीड्स ऑफ एजुकेशन, 1999 में रिव्यू ऑफ 5 ईयर्स ऑफ सालामांका, 2000 में ए फ्रेमवर्क फॉर एक्शन फॉरम वर्ल्ड। तो ये सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पॉलिसी बनाई गई थी, जिसके आधार पर इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत एजुकेशन फॉर ऑल की बातें कही गई थी। नेक्स्ट जो हमारा था 2000 में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल डेट फोकस ऑन डिक्रीजिंग द नंबर केमिक्स कैन एंड डेवलपमेंट, 2001 में फ्लैगशिप एजुकेशन फॉर ऑल EFA ऑन एजुकेशन एंड डिसेबिलिटी। ये सारे जितने सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो एजेंसीज थी, इसके द्वारा समावेशी शिक्षा के अंतर्गत एजुकेशन फॉर ऑल के विषय में चर्चा किया गया है। तो जून 1994 में स्पेन के सालामांका नामक स्थान पर विशेष आवश्यकता पर आधारित शिक्षा का एक विश्व सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में विश्व के 92 देशों एवं 25 अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों ने प्रतिभाग किया। सभी लोग विकलांग बच्चों की शिक्षा के नए गतिशील और समावेशन की कसौटी के लिए सहमत हुए थे। जो सबसे पहले 1994 में सालामांका नामक स्थान में
जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें जो भी विकलांग बच्चे के साथ साथ सामान्य बच्चे, एजुकेशन फॉर ऑल की बातें कही गई थी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। सभी के लिए शिक्षा पर घोषणा पत्र, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी के शिक्षा के लिए घोषणा पत्र की बात की गई थी, जिसके अंतर्गत बहुत सारे इंटरनेशनल और नेशनल पॉलिसीज़ का निर्माण किया गया था। सब इंटरनेशनल्स के अंतर्गत 1990 में जो मैटिन जो थाईलैंड में है, सभी के लिए शिक्षा पर विश्व सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें 155 राष्ट्र के प्रतिनिधि एवं 150 गैर सरकारी संस्थाओं ने भाग लिया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने के लिए तथा निरक्षरता हटाने के लिए उपायों पर विचार करना। जहां हम सभी के लिए शिक्षा की बात करते हैं, तो यहां गैर सरकारी तथा सरकारी संस्थाओं के द्वारा भी इस सम्मेलन में आयोजन हुआ था। और इस सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य था सभी के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना, साथ ही साथ शिक्षा से निरक्षरता हटाने के उपाय पर विचार करना था। इस सम्मेलन का भारत सहित विश्व के अन्य देशों पर बहुत प्रभाव पड़ा था। सभी के लिए शिक्षा में विकलांग बच्चों की शिक्षा पर गंभीरतापूर्ण इसमें विशेष रूप से ध्यान दिया गया था। तो इस घोषणा पत्र के अंतर्गत 6 मुख्य उद्देश्यों की पहचान की गई थी बुनियादी शिक्षा के लिए, खासकर सभी बच्चों के लिए। फर्स्ट जिसमें हमारा था प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखरेख और विकासात्मक कार्यकलाप का विस्तार। सेकंड था प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिक पहुंच और संपादन। तीसरा था अध्ययन उपलब्धि में सुधार करना ताकि अध्ययन उपलब्धि एवं आवश्यक स्तर तक पहुंच सके। चौथा था वयस्क निरक्षरता के दर को कम करना। पांचवा था बुनियादी शिक्षा के प्रावधानों तथा नवयुवक एवं वयस्क तथा अपेक्षित दूसरे आवश्यक कौशलों का विस्तार करना। छठा जो हमारा था व्यक्तिगत एवं परिवार के अच्छे जीवन जीने के लिए आवश्यक ज्ञान कौशलों एवं मूल्य की उपलब्धियों को बढ़ाना। इस घोषणा पत्र के अंतर्गत जहां सभी के शिक्षा के लिए इस घोषणा पत्र में बातें कही गई थी, इसके अंतर्गत 6 बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य बताया गया, जिसमें प्रारंभिक बाल्य अवस्था की शिक्षा की भी बात कही गई थी और प्राइमरी लेवल पर सभी बच्चों के लिए शिक्षा की पहुँच की व्यवस्था, सार्वभौमिक पहुँच और उसके संपादन, साथ ही साथ उसके अध्ययन उपलब्धि में सुधार करना और उसके आवश्यक स्तर तक पहुंच सके, इन सभी की भी चर्चा की गई थी। और वयस्क निरक्षरता दर को कम करने की भी बातें कही गई थी। साथ ही साथ बुनियादी शिक्षा व्यवस्था के लिए प्रावधान तथा नवयुवक तथा दूसरे कौशलों का भी विस्तार करने की भी बातें कही गई थी। साथ ही साथ व्यक्तिगत एवं परिवार में अच्छे जीवन जीने के लिए उनके ज्ञान कौशल मूल्यों की उपलब्धि को बढ़ावा देने की भी बातें कही गई थी। तो जहां सभी के लिए शिक्षा घोषणा पत्र के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा जो आयोजित किया गया था जोमैटिन थाईलैंड के विश्व सम्मेलन में आयोजित किया गया था। जहां हमारा शालामांका स्टेटमेंट जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन किया गया था, इसके अंतर्गत विशेष शिक्षण पर कार्य योजना बनाई गई थी, जिसमें सभी बच्चों की शिक्षा की बातें कही गई थी। ये बनाए इसका इसे सबसे पहले सन 1994 में स्पेन के शालामांका शहर में विशेष आवश्यकता शिक्षण पर विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया। आयोजन यूनेस्को एवं स्पेन की सरकार ने मिलकर किया था। इस सम्मेलन में 92 देशों के सरकारी प्रतिनिधि एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भाग लिया था। शालामांका स्टेटमेंट के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षण के लिए उनके विशेष आवश्यकता शिक्षण पर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जितने विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके लिए विशेष शिक्षा
विशेष शिक्षा की बातें कही गई थी। इसके अंतर्गत जो अंतर्राष्ट्रीय के अंतर्गत 92 देशों ने भाग लिया था, इसके अंतर्गत पहला कथन था। इसके स्टेटमेंट के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा की प्रतिबद्धता से शुरू होता है। दूसरा था, इस सम्मेलन में मुख्य रूप से समावेशित शिक्षा की चर्चा हुई थी जो निम्नलिखित कथनों से रेखांकित था। पहला, स्कूलों में सभी बच्चों को समावेशित किया जाए, उनके शारीरिक, बौद्धिक, भावात्मक, सामाजिक, वाचिक और अन्य दशाएं कैसी भी हो। दूसरा, समावेशित दिशा निर्देशन युक्त सामान्य स्कूल भेदभाव पूर्ण दृष्टिकोणों से निपटने के लिए सबसे प्रभावशाली माध्यम है। वे ऐसे समावेशित समाज की रचना कर सके जो सबको अपना एवं सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य भी पा सके। तो जो सालामांका स्टेटमेंट विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत जो 1994 में सालामांका शहर में आयोजित किया गया था, यह विशेष आवश्यकता शिक्षण कार्यक्रम का यह सम्मेलन, इसके अंतर्गत दो स्टेटमेंट को महत्वपूर्ण रूप से ध्यान दिया गया था। सबसे पहले सभी के लिए शिक्षा को प्रतिबद्धता बनाना, ऐसे नहीं सामान्य बच्चे और विशिष्ट बच्चे में डिफरेंस हो, ऐसे सभी बच्चों के समान अधिकारों की बातें, जहाँ तक यूनेस्को में भी इस बातों को यूनेस्को के अंतर्गत भी यह बातें कही गई थी। साथ ही साथ समावेशित दिशा निर्देशन युक्त सामान्य स्कूल, समावेशित दिशा निर्देशन के लिए सामान्य स्कूल भेदभाव पूर्ण दृष्टिकोणों से निपटने के लिए सबसे प्रभावशाली माध्यम है। जहाँ तक इंक्लूसन के अंतर्गत प्रीवियस क्लास में भी चर्चा किया गया था कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जहाँ हम बात करते हैं, तो जो सामान्य जो कक्षा होती है उनके विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी सामान्य कक्षा में बैठा कर शिक्षा की व्यवस्था कराई जाती है। तो यहाँ भी इस बातों को भी ध्यान में दिया गया है कि किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो दोनों प्रकार के बच्चों में, चाहे वो शारीरिक, बौद्धिक, भावात्मक, किसी भी स्तर पर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए तथा समावेशित समाज की रचना की जानी चाहिए, सबको अपना सभी, ताकि सभी के लिए लक्ष्य को पा सके। दोनों बच्चों में किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए, उसके लिए समावेशित विद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए और ताकि वह जो है समाज की रचना कर सके और अपना सब के लिए शिक्षा का लक्ष्य को पा सके। आज के इस कक्षा में सभी के लिए घोषणा सभी के लिए शिक्षा के अंतर्गत इतनी बातों को मैंने बताया है। नेक्स्ट क्लास में सभी के शिक्षा के अंतर्गत और भी बातें बताई जाएंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।